नक्सल प्रभावित जिलों के अंदर जितनी भी वन संपदा के आधार पर उद्योग लग सकते हैं उसको लिए एक यहां औद्योगिक वसाहत बनाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने जल को बचाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया, बहुत बड़ा बजट दिया है और ये जल शक्ति मंत्रालय बैनगंगा नदी पर इसकी उप नदियों पर हर 5 किलोमीटर पर छोटे छोटे चेक डैम बनाकर मेरे आदिवासियों को हमेशा भाइयों माताओं को पानी मिले इसकी काम करने वाली मित्रों। और एटापल्ली आष्टी बल्लारसा एक नई रेल परियोजना भी 3000 करोड़ के खर्चे से भारतीय जनता पार्टी शुरू करने वाली। मित्रों मैं ये बात इसलिए बताता हूं कि आज मैं यहां आया हूं वो क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित। एक जमाने में प्रचार किया जाता था कि नक्सलवाद विकास नहीं हुआ इसके खिलाफ, मगर आज मेरे आदिवासी भाइयों बहनों माताओं को युवाओं को कहने आया हूं ये नक्सलवाद विकास का विरोध है, हम बिजली पहुंचाना चाहते हैं ये पहुंचने नहीं देते, हम रोड पहुंचाना चाहते हैं ये पहुंचाने नहीं देते, हम रेलवे पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाने नहीं देते। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने 5 साल के अंदर नक्सलवाद पर लगाम कसी है, अगले 5 साल में नक्सलवाद से पूरे क्षेत्र को हम मुक्त करकर यहाँ का आदिवासी युवा दुनिया भर के युवाओं के साथ अपनी स्पर्धा कर पाए ऐसा वातावरण बनाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले। मित्रों प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना बनाई, पहले आदिवासी क्षेत्र से जो खनिज संपदा निकलती थी एक फूटी कौड़ी भी आदिवासियों को नहीं दी जाती थी। और मित्रों हमने गढ़चिरौली चंद्रपुर ये सब क्षेत्र के लिए कुल 531 करोड़ रुपया एक क्षेत्र के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से पहुंचाने का काम किया। मित्रों हमने ओबीसी समाज के जो हमारे भाई बहन हैं उनके सम्मान के लिए भी 70 साल तक कांग्रेस की सरकारें चली, मगर ओबीसी समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के आदिवासियों ने बनाई। मैं इसलिए कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को देश के आदिवासियों ने प्रधानमंत्री बनाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा आदिवासी सीट आज भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसका मुझे गर्व है। ये सरकार इस देश के आदिवासियों ने बनाई है और वो सरकार बनने के बाद पहली बार हमने ओबीसी समाज के लिए भी आदिवासी समाज के लिए तो ढेर सारे काम किए, ओबीसी समाज को भी संवैधानिक मान्यता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों सबसे बड़ा काम हमने किया है, आज मैं यहां आया हूं तब एक बात आपको कहने आया हूं कि वीर बाबूराव सेडमेक की भूमि, बाबूराव जी जैसे असंख्य आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन के बलिदान दिए, मगर उनको इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के लिए अलग से शहीद स्मारक बनाने का निर्णय करकर वो आदिवासी वीरों को एक सम्मान देने का काम किया है। मित्रों आप सब ने लास्ट टाइम मैं चुनाव में आया था, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई
और एक गढ़चिरौली क्षेत्र अहेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारी सरकार ने ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने 115 पिछड़े जिलों को सूचीबद्ध किया, अपने गढ़चिरौली जिले को भी सूचीबद्ध कर उसके विकास की पूरी योजना बनाई। फॉरेस्ट के अंदर, वन के अंदर जो बांस उगता था, बांस की खेती होती थी, इसको वन अधिकारी काटने नहीं देते थे, क्योंकि बांस को वृक्ष की व्याख्या में रखा था। मोदी जी ने बांस को कृषि की व्याख्या में रखकर सारे क्षेत्र में जो बांस होता है उसकी कटाई करने की परमिशन दे दी। मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर जो वन उपज का औद्योगिक क्षेत्र बनाने वाले हैं उसमें बांस के भी अलग अलग उपयोग के कारखाने लगाकर बहुत बड़ी मात्रा में हम यहां पर रोजगारी देने की बात करने वाले हैं। मित्रों, गत 5 साल के अंदर लघु वन उत्पादों को समर्थन मूल्य देने की बात करी कांग्रेस, 70 साल के अंदर सिर्फ 7 उत्पादों को समर्थन मूल्य देती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार 50 वन उत्पादों को समर्थन मूल्य देकर आदिवासी माताओं और बच्चों को अपना रोजगारी कमाने का मौका देने वाले। मित्रों, सेरिकल्चर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी हम काम करने वाले हैं और गढ़चिरौली जिला अस्पताल में कैंसर के लोगों का उपाय करने के लिए एक विशेष प्रावधान करने वाले हैं जिसे किसी को मुंबई नहीं। मैं आज यहां जब मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के सामने, ओबीसी समाज के भाइयों बहनों के सामने आया हूं, तब कांग्रेस के नेता राहुल बाबा को पूछने आया हूं, 70 साल तक, 4 पीढ़ी तक आपने शासन किया, आदिवासी समाज के लिए क्या किया जरा बताओ। मित्रों, मोदी जी को आपने 5 ही साल का मौका दिया, 5 साल के अंदर आदिवासी समाज के लिए ढेर सारे काम करने का हमने मौका दिया है।